अस्सलामुअलैकुम, मैं आज आपके सामने मिक्स सब्ज़ी बनाना चाहती हूँ, बैंगन एंड भिंडियाँ, आलू एंड शिमला मिर्च। एंड उसके लिए मैंने ऑयल डाला है देसी में, एंड अभी मैंने प्याज भी थोड़ा डाला है उसमें। अभी मैं 2 मिनट भी हुए प्याज डाले हुए, तो अभी मैं उसमें गार्लिक एंड जिंजर 1 टेबल स्पून है एंड ग्रीन चिली वो डाल रही हूँ। अभी मैं टमाटर भी डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टमाटर मैंने इसमें डाले। मैंने 2 सबज मिर्चें डाली हैं एंड 2 टमाटर मैंने डाले अभी। इनको थोड़ा फ्राई करके फिर मैं सब्ज़ी डाल दूँगी। 1 चम्मच रेड चिली मैं डाल रही हूँ एंड आधी और डाल रही हूँ। एंड इसमें मैंने 2 टीस्पून नमक की डालें, 1 क्रश की डाली है एंड थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, 1 ग्रैंड चम्मच सूखा धनिया, आलू डालें इसमें। इसको 2-3 मिनट फ्राई करके तो फिर मैं मिक्स सब्ज़ी डालूँगी। बैंगन भी एंड भिंडियाँ भी दोनों इकट्ठी डाल रही हूँ सब्ज़ी। अच्छी तरह मिक्स करके जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के छोड़ दें। ये मैंने इसमें पेपर डाल रही हूँ, शिमला मिर्च, तो इसको हिला के तकरीबन 10-15 मिनट पे रख दूँगी, जब ये गल जाएंगे तो फिर उतार दूँगी। अभी मेरी मिक्स सब्ज़ी तैयार हो गई है, तो इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डाल के उतार रही हूँ, तो फिर मैं प्लेट में डाल के फिर दिखाऊंगी। मेरी अभी मिक्स सब्ज़ी तैयार हो गया, इसको तकरीबन 30-35 मिनट लगे पकाने के लिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।